नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। भारत में टिकटॉक बैन के बाद सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले को काफी सराहा जा रहा है। बॉलीवुड से लेकर टीवी सितारे तक सोशल मीडिया के जरिए सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। अब चूंकि युवाओं के बीच इस ऐप का खासा क्रेज हुआ करता था, तो इस बात से कुछ टिकटॉक यूजर्स थोड़े मायूस जरूर हैं। हालांकि सरकार के फैसले पर अब तक किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन इसी बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां ने ये भूल कर दी। उन्होंने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिनकी रोजी रोटी टिकटॉक से चला करती थी, उनका क्या। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट ऐप है, ये बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। इसके लिए क्या प्लान तैयार किया गया है? बैन के बाद जो लोग बेरोजगार होंगे, उनके बारे में क्या सोचा गया है? लोगों को वही तकलीफ होगी जो नोटबंदी के वक्त हुई थी। आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां ने चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन का विरोध किया है, जिसकी जानकारी ANI ने ट्वीट के जरिए दी है। लेकिन अपने बयान में उन्होंने टिकटॉक बैन के फैसले की तुलना नोटबंदी से कर दी, जिसके चलते सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब एक फिल्म एक्ट्रेस को MP बना दिया जाए तो उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक यूजर का तो कहना है कि वो टिकटॉक यूजर्स के लिए परेशान हो रही है और जिन लोगों की नौकरी इस कोरोना काल में चली गई, उनका क्या। कुछ ने तो मीम्स के जरिए उनका मजाक बनाते हुए लिखा कि उनके मुताबिक लोग टिकटॉक को करेंसी नोट्स की तरह यूज करते हैं। बहरहाल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत चीन की सेनाओं के बीच जारी तनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने चीन की 59 ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है, जिसके बाद से ही चीन में इस फैसले को लेकर बौखलाहट साफ झलक रही है।